से बहस मत कर प्रियंका, पूरा एक साल हो गया शादी को, वो अंग नहीं क्या जहाँ नन्हे पैर ना दौड़े? ये जो रोज की झिकझिक चल रही है ना तेरी और दामाद जी के बीच, इसका बस एक ही इलाज है, बच्चा कर ले सब ठीक हो जाएगा। अमीर हो या गरीब, एक बार किसी लड़की की शादी क्या हो गई, पूरे समाज को खुशखबरी सुनने की जल्दी होती है। लड़की को या जोड़े को, बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, इस बारे में सोचना तक गलत समझा जाता है समाज में। और जिनको बच्चा नहीं होता उनका दर्द वही समझ सकते हैं जो उसे भुगतते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, बस एक ही चिंता थी कि सब कुछ सही ही चलता रहे। मेरी पत्नी गीता का 8वां महीना चल रहा है, पूरी तैयारियां की गई हैं ताकि कहीं कुछ भी गलत ना हो। कुछ गलत ना हो इसलिए पहले से ही रास्ते की सारी अड़चनें अलग कर दी गई हैं। विशाल, सब कुछ ठीक ठाक है, गीता और उसका बच्चा, तुम्हारा बच्चा एकदम सही है, गीता का सब कुछ अच्छा जा रहा है। बहुत खुशी हो रही है सुन के मैडम जी। वो वैद्य जी जैसे जैसे बोलती हैं मैं और गीता बिल्कुल वैसा वैसा ही करते हैं। उसका नतीजा तो दिख रहा है, जुलाई के तीसरे हफ्ते में 22 या 23 तारीख तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। बच्चे को पेट काट के निकालेंगे क्या? अरे नहीं, सब कुछ ऐसे ही ठीक रहा तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। क्या हुआ गीता, बहुत परेशान लग रही हो? नहीं तो नहीं लग रही हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। विशाल, तुम परेशान रहते हो ना तो तुम्हें लगता है कि सब परेशान है। मैं परेशान नहीं रहता हूँ गीता, फिक्र करता हूँ तुम्हारी। ए गीता, तू ठीक से रह लेगी ना मायके में? तुम भी ना विशाल, बस 2 मिनट की दूरी पर है माँ का घर, तुम इतनी फिक्र मत किया करो। तुम फिक्र करते हो तो मुझे भी फिक्र होने लगती है, और ये हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ मुझे लग रहा है टाइम आ गया, अस्पताल जाना होगा। हाँ हाँ हाँ, चलते हैं अस्पताल। हाँ हाँ, मैं निकल चुका हूँ। हाँ एक मिनट अगर रुकिए, मैं कह रहा हूँ उसको रिक्शा वाले को बोलना थोड़ा आराम से चलाएगा। मुबारक हो विशाल, एकदम तंदुरुस्त बेटा हुआ है, और जैसे मैंने कहा था नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हेलो वैद्य जी, लड़का हुआ है, बहुत ही तंदुरुस्त है और गीता भी एकदम ठीक है। बधाई हो विशाल, बड़ी खुशी हुई सुनकर। हाँ हाँ, मेरी यहाँ की ड्यूटी अभी अभी खत्म हुई है। अरे मेरा राजा बेटा, कैसा है तू? तुम कैसी हो? वैद्य जी, आपके बहुत उपकार हैं हम पर। क्या, कैसे उपकार? अब हमारे इस राजा बेटी की देखभाल जो शुरू करनी है, अरे सबसे बड़ा काम तो अब शुरू होता है। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन ये सही दिशा किसके लिए सही थी इसकी अभी किसी को भनक तक नहीं थी। है चावल दे रहे पाव किला। Thank you.
ये लो चॉकलेट। मुझे भी ली। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। अरे कम ऑन। हाँ चॉकलेट नहीं क्या है तुम्हारे, लो चॉकलेट। अंदर आ। नहीं नहीं माँ, अभी मैं जल्दी में हूँ, इसको ना पोलियो की दवाई पिलवा के लाना। अच्छा। तो सासू माँ भी बाजार गई भाजी लेने के लिए, तो तुम्हें बोल के जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा। वो मैंने उसकी कुंडी भी लगा दी दरवाजे की। अच्छा सुन, दवाई पिला के सीधा यहीं आना। ये दामाजी इतनी जल्दी ले गए दोनों को, लाड दिलाने का मौका नहीं। ठीक है ठीक है माँ, मैं दवाई पिलवा के लाती हूँ। हाँ हाँ, ओ बेटा, ओ राजा बेटा। क्या हो गया? अरे विशाल, तेरी माँ और गीता की माँ दोनों सुबह से सोनू और गीता को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे मतलब? अरे गीता सुबह सुबह सोनू को लेकर बाहर चली गई, अभी तक घर नहीं लौटी, पता नहीं कहाँ चली गई। घर नहीं है तो कहाँ गई? पोलियो की दवा इस तरफ। गीता भाभी ने कुछ बताया कहाँ डेरा लगा हुआ है? नहीं ना रामचरण, यही तो उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया। नहीं तो आज तो यहाँ कोई पोलियो अभियान नहीं चल रहा, फिर कहाँ चल रहा है आपको कुछ पता है? मुझे नहीं पता, आप सरकारी हॉस्पिटल में पता कीजिए। गीता बस इतना बोली कि वो सोनू को पोलियो की दवाई पिलाने ले जा रही है और कुछ भी नहीं कहा, और मैंने भी नहीं पूछा। मुझे लगा आपको कुछ कहा होगा दामाद जी, आपको कहा होगा यशोदा बेन। गीता तो हमको कुछ नहीं बताई, हम तो सब्जी खरीदने गए थे। अरे लेकिन गीता अकेले गई कहाँ, और वो भी सोनू को लेके? अरे भाई लगभग हर जगह पूछ लिया, और ये सरकारी अस्पताल सारे चिकित्सा केंद्र है, लेकिन कहीं भी पोलियो की दवा नहीं पिलाई जा रही है। अजीब बात है, फिर गीता ऐसा क्यों बोली कि वो पोलियो की दवा पिलाने जा रही है सोनू को? नहीं यशोदा, हमने गीता को आपके घर से निकलते हुए नहीं देखा, और उसे कोई बुलाने आया हो ऐसे भी ध्यान में नहीं आया। हाँ धो गई, जब हम घर में नहीं थे तो ऐसे कैसे चली गई, वो भी बाहर कुंडी लगा के। पोलियो की दवा आज, ऐसे कैसे? वैसे तुम बोल कहाँ से रहे हो विशाल? वैद्य जी मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, गीता सोनू को लेके पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अपनी माँ को बोली कि पोलियो को दवा पिलाने जा रही है। लेकिन आज तो गुरुवार है, और पोलियो के कैंप्स गुरुवार को नहीं लगते, सिर्फ रविवार को लगते हैं। गीता की माँ ने कुछ गलत सुना होगा, गीता सोनू को लेकर कहीं और गई होगी। बेलगाम के सभी अस्पताल के एक्सीडेंट केसेस चेक करो। सुबह 11 बजे निकली थी गीता मौर्य अपने बच्चे के साथ, और अब शाम हो गई है, कोई खबर नहीं है उसकी। शहर के सभी छोटे बड़े प्राइवेट क्लिनिक्स खंगालो जहाँ पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है, और अगर क्लिनिक्स बंद हो तो डॉक्टर या कोऑर्डिनेटर को फोन करो। हम 2 मिनट में माँ और बच्चे का फोटोग्राफ फ्लैश करेंगे। विशाल रुको, मेरे पास इससे भी अच्छी वाली फोटो है, ये वाली। सर ये फोटो अपने फोन में ट्रांसफर करो, प्रिंटआउट्स निकलवाओ और सभी चैट ग्रुप में शेयर करो। हाँ सर। गीता अपना फोन साथ नहीं ले गई थी? नहीं साहब, गीता के पास मोबाइल नहीं है। कब से नहीं है? शादी के पहले से नहीं है साहब, मतलब कभी था ही नहीं फोन गीता के पास। लेकिन अजीब बात यह है सर कि गीता अपनी माँ से कह के गई थी कि वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने जा रही है, लेकिन पोलियो के कैंप्स तो सिर्फ रविवार को लगते हैं, बाकी दिनों में नहीं। सर अब तक जितने भी अस्पताल स्कैन किए वहाँ कोई भी एक्सीडेंट का केस माँ और बच्चे से मैच नहीं करता है, लेकिन गीता अपने बच्चे को लेकर कौन सी दिशा में गई या फिर कहाँ से लौट रही थी, अगर ये भी पता चल सके तो काफी मदद मिल सकती है। अरे लेकिन गीता ने अपनी माँ से कुछ बोला ही नहीं। साहब मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, गीता ऐसे कैसे कर सकती है? वो घर से अकेले कभी बाहर गई ही नहीं, मतलब जब भी सोनू पैदा नहीं हुआ था उसके पहले भी अकेले घर से बाहर नहीं गई, और हमारे बच्चे के साथ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है साहब। पुलिस बोल रही है हर जगह खोजेगी, सारे इलाकों में। जब मैं सब्जी लेने जा रही थी तो गीता ने एक शब्द नहीं बोला, फिर ऐसे कैसे चली गई? अरे मेरे लौटने तक रोक नहीं सकती थी क्या? ये रिया, गीता सोनू को लेकर अकेले जा रही थी तो तुम्हें जाना चाहिए था ना उसके साथ। मुझे क्या पता वो अकेले जा रही थी, मुझे लगा वो वैदेही के साथ जा रही है, क्योंकि बाकी सब जगह भी तो वो उसी के साथ जाती है। गीता ने आपको बोला वैदेही जी के साथ जा रही है?
नहीं, मुझे नहीं बोला उसने कि वो वैदेही के साथ जा रही है, पर मुझे लगा कि वो उसके साथ जा रही है। बाकी सब जगह भी तो उसी के साथ जाती है ना। वैदेही जी विशाल, मेरी गीता आपके बिना कहीं जा ही नहीं सकती। मैं आज तो तुम्हारे घर गई नहीं। अरे तू गीता किसके साथ गई फिर? यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ। मेरी गीता आपकी हर बात मानती थी, आपको मालूम होना चाहिए ना कहाँ गई वो। मेरी हर बात मानने के लिए मुझे उसके साथ तो होना चाहिए था, मैं दिन भर अपने क्लिनिक पे थी। और विशाल, तुम अपनी जिम्मेदारी मुझ पे कैसे डाल सकते हो? सर, गीता मौर्य और उसके बच्चे सोनू की फोटोग्राफ हर जगह शेयर की, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं। मुकुंद नगर में रहते हैं ना ये लोग? हाँ सर। कोई सीसीटीवी? सर लोला इलाका, 5-6 दुकानें छोटी मोटी, लेकिन कहीं कोई सीसीटीवी नहीं है। ये जो गीता का बच्चा है, ये सिर्फ 29 दिन का है ना? हाँ सर। सर, गीता का पति विशाल, वो कह रहा है कि एक वैदेही नाम की लेडी है और गीता इस वैदेही के बगैर कहीं नहीं जा सकती। वैदेही? ये तो वही औरत है जिसने कल रात हमें गीता और बच्चे की तस्वीरें दी थी। जी सर, वही है। साहब, मेरी गीता वैदेही जी को अपने गुरु जैसा मानती है। मतलब वो जैसा जैसा बोलती है गीता बिल्कुल वैसा वैसा ही करती है। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कसरत, सब कुछ, जब भी वो पेट से थी तब से। साहब, ये वैदेही तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं साहब, आंगनवाड़ी सेविका है। जब भी गीता पेट से थी तभी उसको सब कुछ सिखाने के लिए आई थी। वो खुद से आई थी? हाँ साहब। सर, उठवाऊँ क्या इस वैदेही को? विशाल, आंगनवाड़ी सेविका वैदेही पर तुम्हें कोई शक है? मुझे नहीं पता साहब, शक करना है कि नहीं करना है, लेकिन इतना पक्का पता है कि मेरी गीता सोनू को लेकर अकेले घर से बाहर जा ही नहीं सकती। देख तो जरा, विशाल मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा है। हाँ, सीधी उंगली तुम पर उठी है वैदेही। विशाल का माता फिर गया है क्या? ये बताओ तुम रहती कहाँ हो? मैं मनीबाग। क्यों, इस वक्त घर पर हो? मैडम बात क्या है बताइए तो। तुरंत धर्मपुर थाने में आकर मिलो। मैं अभी क्लिनिक में हूँ, एक डिलीवरी है, उसके बाद आती हूँ। कौन से क्लिनिक में? भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम। इस भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में तुम फुल टाइम हो? हफ्ते के 6 दिन और 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी सर। और सरकार से भी तनख्वाह लेती हो आंगनवाड़ी सेविका बनकर? क्या, मैं कोई आंगनवाड़ी की सेविका नहीं हूँ सर। फिर विशाल क्यों कह रहा था कि तुम आंगनवाड़ी सेविका हो? ये आप उसी से पूछ लीजिए। और वैसे मैं बता रही हूँ कि वो बावला हो गया, कुछ भी बके जा रहा है। कल भी मेरे घर आया था, मुझे जिम्मेदार ठहरा रहा था, और आज ये आंगनवाड़ी वाली बकवास। ये देखिए सर, मैं इस मैटरनिटी होम में फुल टाइम ड्यूटी करती हूँ, तो मैं विशाल से ये क्यों कहूंगी कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूँ? क्योंकि तुम हो आंगनवाड़ी सेविका। तभी तो 6 महीने पहले आई थी मेरे घर में गीता को सब कुछ सिखाने के लिए। उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पीना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, सब कुछ तो सिखाया उसे। अभी साहब के सामने झूठ क्यों बोल रही हो? अरे विशाल, ये सब कुछ मैंने करवाया, लेकिन मैंने ये कब बोला कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूं? मैं झूठ क्यों बोलूंगी सर? मैं कुछ 6 महीना पहले मिली थी गीता से सब्जी मंडी में। आपको कैसे पता चला? 3रा महीना चल रहा है ना? हाँ। ये तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, लेकिन आप कौन है? ऐसे ही इत्तेफाक से सब्जी मंडी में मुलाकात हुई थी गीता से। मैंने तब गीता को बताया था कि मैं भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती हूँ और बच्चों की डिलीवरी में डॉक्टर्स को असिस्ट करती हूँ। तब गीता ने सामने से मुझे पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैंने बोला हाँ, यही तो मेरा काम है। फिर मैं इनके घर जाने लगी, उसको व्यायाम सिखाने के लिए, खाने पीने के बारे में बताने के लिए। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं आंगनवाड़ी की सेविका हूँ। साहब, गीता ने खुद मुझे बोला कि आंगनवाड़ी सेविका है। गीता मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती साहब। ये जो लाल में है ना, ये सारी चीजें अब से नहीं खानी है तुम्हें। और ये जो हरे में है, अपने पति से कहो बराबर लाकर तुम्हें खिलाता रहे। ये सारी चीजें हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। आ गए आप? विशाल, ये वैदेही जी हैं। वैदेही जी, ये मेरे पति विशाल। नमस्ते। नमस्कार। वैदेही जी ना आंगनवाड़ी सेविका है, वो कई सारे बच्चों को इस दुनिया में लाई है, उन्हें इन सारी बातों की बहुत अच्छी जानकारी है। अच्छा है ना, तुमको भी सहारा रहेगा।
और वो जो चीज़ें हरे रंग में लिखी हुई हैं ना, वो मैं कल से लाना शुरू करता हूँ। और माँ, जो लाल रंग वाली चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को बच्चा आने से पहले तक घर में नहीं बनाना है, ठीक है? साहब, मेरे घर में सबको पता है ये आंगनवाड़ी सेविका है, तभी तो ये गीता के लिए वहाँ से बहुत सारे सामान लेके आती थी, वो भी फ्री में। गलत, मैं दोस्ती में लाती थी, कभी अपने क्लिनिक से, कभी खुद के पैसों से, क्योंकि तब तक गीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी और मैं उसके लिए जो जो करती उसके लिए ये उसके घर वाले मेरी बहुत तारीफ करते थे। सर, मैं बहुत सालों से ये काम कर रही हूँ, गीता को मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने कर दी, बस। साहब, एक हफ्ता पहले की बात, गीता ने मुझे बोला कि सरकार की कोई योजना है जिसमें हम जैसे गरीब लोगों के लिए बच्चा पैदा होने के बाद उसको उसकी देखभाल के लिए सरकारी भत्ता मिलता है। मैंने उससे पूछा, तुझे किसने बोला? उसने बोला, इन्होंने बोला उसको। कौन है राजकुमार? कौन है? बिटौना सोनू मेला बिटुआ। पापा, ए सोनुआ, लजा सोनुआ। पता है, सोनू की फिक्र ना सिर्फ हम दोनों को नहीं है, सरकार को भी है। क्या मतलब? वैदेही जी बता रही थी कि हमारे जैसे घरों में पैदा हुए बच्चों को ना सरकारी मदद मिलती है। अच्छा, मतलब पैसा से देगी क्या? हाँ, वैदेही जी कह रही थी कि वो ऐसी मदद हमें भी दिलाएगी। वैदेही जी कितने अच्छे हो रहे थे ना, मतलब वो बताते थे, तुमको पता भी नहीं चलता। तुम्हारी पत्नी ने तुमसे झूठ बोला है। क्यों बोला है मुझे नहीं पता। नहीं। हाँ, मैंने गीता से कभी बोला ही नहीं किसी सरकारी मदद के बारे में। गीता ये अच्छी तरह जानती है कि मैं मैटरनिटी होम में काम करती हूँ, इसीलिए तो मैं उसकी मदद कर रही थी। और मैं गीता से झूठ क्यों बोलूंगी? और ऐसे गीता और सोनू को गायब करके मुझे क्या मिलेगा? 28-29 दिन का बच्चा है लालू, लड़का है, साथ में माँ भी गायब है। साहब, अगर बच्चे को भिखारी गिरोह ने गायब किया है तो माँ को क्यों उठाएंगे? और अगर माँ को वेश्या गैंग ने उठाया है तो बच्चे के साथ क्या करेंगे? ऊपर से लड़का है, मेरे को तो चांस लग रहा है कुछ तो डेंजर हुआ है माँ या तो बच्चे के साथ। अगर बच्चे को उठाने आए थे तो माँ चिल्लाई होगी, हो सकता है माँ को जख्मी करके बच्चा छीन ले गए। कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें वैदेही। अर्चना मैडम, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? नहीं, वो बस दुनिया ही अजीब है। बताना हुआ क्या है। मैडम, वो एक माँ और उसका बच्चा गायब है, मतलब मैं जानती हूँ उनको, लेकिन उसका पति अब बहुत अजीब अजीब बातें करने लगा है। पता नहीं गीता ने भी ऐसा, मतलब उस माँ ने ऐसा क्यों किया। सर, मुझे लगता है हमें इस वैदेही की तहकीकात करनी चाहिए, उसके पास्ट, प्रेजेंट, उसका घर, उसके काम करने की जगह, इन सब का फुल चेकअप करना चाहिए। सर, मुझे ये बात खटक रही है कि गीता पोलियो की दवाई का झूठा बहाना करके घर से क्यों जाएगी, जबकि कोई पोलियो कैंप भी नहीं लगा था। और अगर वो किसी सरकारी अस्पताल या फिर किसी क्लिनिक में गई भी थी तो किसी ने तो गीता और सोनू को देखा होना चाहिए था। हमने आसपास के सभी सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, हर जगह पर चेक किया, लेकिन कहीं से कोई क्लू नहीं मिला। मानसी, तुम वैदेही के अड़ोस पड़ोस में पूछताछ करो। राव, गीता और विशाल की भी बैकग्राउंड निकालो। अब तक हम बाहर ढूंढ रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि ये घर के अंदर का ही मामला हो। ये वैदेही झूठ बोल रही है, हमारी गीता क्यों झूठ बोलेगी? शायद गीता को गलतफहमी हुई हो, गलत सुना हो उसने। अरे लेकिन इतना सब सुनने में गलती कैसे हो सकती है? वो खुराक, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और गीता ने खुद मुझे बोला था, वो वैदेही ने उसे बोला है, वो सरकारी भत्ते वाली बात, वैदेही उससे भी मुकर रही है, हर बात से वैदेही मुकर रही है। सुनो, तुम वैदेही घोरपड़े को जानती हो? जी, मेरे पड़ोस में ही रहती है। क्या नाम है तुम्हारा? कविता हेगड़े। लेकिन आप वैदेही जी के बारे में क्यों पूछ रही हैं? कब से जानती हो वैदेही को? करीब 3 साल से, जब से वो यहाँ रहने आई है। ये वैदेही यहाँ किसी आंगनवाड़ी में सर्विस करती है? वैदेही जी किसी भाग्य लक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती थी। यहाँ अकेले रहती है वैदेही? जी। 3 साल पहले कहाँ से आई थी? वो तो पता नहीं मैडम, लेकिन इतनी पूछताछ, कुछ गड़बड़ है क्या? मालूम नहीं, मुकुंद नगर से एक बच्चा और उसकी माँ गायब हुए हैं। वो तो पता है मैडम, मतलब आप ये कह रही है कि वैदेही जी भी इसमें शामिल है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कविता हेगड़े, क्या वैदेही इसमें शामिल हो सकती है? इस बारे में मैं तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना पता है कि वैदेही जी बहुत भली औरत है, हम सब उन्हें बहुत मानते हैं। जितना मैं जानती हूँ, वैदेही जी गोवा मडगांव साइड की है और शादीशुदा नहीं है। शादा था, या आप वैदेही जी के मडगांव वाले परिवार के बारे में कुछ जानती हैं, या अपने यहाँ बेलगांव में कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं तो ऐसा कुछ मालूम नहीं है मुझे। पर मैडम,
आप ऐसा क्यों पूछ रही है कि वैदेही जी आंगनवाड़ी में काम करती है या नहीं? पहले आप बताइए, वो काम करती है या नहीं? नहीं, वो भाग्यलक्ष्मी मैटरनिटी होम में काम करती है। और ये जो वैदेही का घर है वो खुद का है या किराए का? किराए का। कुछ मिला आपको? क्या लगता है आप लोगों को कि मैंने गीता और सोनू को यहां छुपा के रखा है? और आपका आगे का प्लान क्या है कि मुझे जो मार पीट कर मुझसे कबूल करवाओगे? आप लोगों को कोई अंदाजा नहीं है मेरे लिए गीता और सोनू क्या मायने रखते हैं। आप लोगों ने मेरे मैटरनिटी होम में फोन किया था ना, कुछ मिला मेरे खिलाफ? मैं समझ गई, वो कोई औरत और बच्चा मिसिंग है, उस सिलसिले में आप लोग वैदेही के पीछे पड़े हुए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया डॉक्टर अर्चना। मुझे इंक्लूड करके इस क्लिनिक में 4 कंसल्टिंग डॉक्टर हैं। आप अपना सवाल किसी से भी पूछिए, हर किसी का एक ही जवाब होगा कि वैदेही जैसे असिस्टेंट पूरे बेलगांव में नहीं मिल सकती। हर कोई चाहता है कि डिलीवरी के टाइम पर वैदेही उन्हें असिस्ट करे। इसमें वैदेही का हाथ हुआ ऐसा कुछ सामने तो नहीं आ रहा है, सिवाय इसके कि प्रेगनेंसी के दौरान काफी मदद की थी वैदेही ने गीता की। सर, गीता के पड़ोसी से अब तक जितनी जानकारी मिली है उससे नहीं लगता कि उसका कोई अफेयर वगैरह होगा, और डिलीवरी के 4 हफ्ते बाद कहीं भाग जाना मुमकिन नहीं लगता। सर सर हो ना हो ये मामला इस बच्चे सोनू की पैदाइश से जुड़ा हुआ है, हो सकता है विशाल ने बीवी बच्चे को गायब किया हो। सर विशाल का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मोटिव सामने नहीं आया जिसके चलते वो अपने बीवी और बच्चे के गायब होने का नाटक कर रहा हो। लफड़ा मतलब औरत का लफड़ा, फैक्ट्री में कोई औरत है जिसका विशाल के साथ कोई चक्कर चल रहा हो, या फैक्ट्री से बाहर कोई कभी किसी से कुछ सुना हो, या फिर विशाल ने कुछ कहा हो, कोई वेश्या वगैरह? अरे नहीं साहब, अपना विशाल तो एकदम संत आदमी है, कभी इधर उधर देखता तलक नहीं। और साहब जब से उसकी बीवी पेट से हुई है तब से डबल शिफ्ट करने का एक मौका नहीं छोड़ता है, वो दिन रात काम में लगा रहता है ताकि 4 पैसे जुटा सके अपने बीवी बच्चों के लिए। साहब इस तरह का डबल गेम खेलने वाला आदमी है ही नहीं है विशाल। विशाल का किसी के साथ कोई झगड़ा, या फैक्ट्री में किसी से कोई दुश्मनी? सर विशाल के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, कुछ भी नहीं मिला। विशाल बेदाग, गीता बेदाग, वैदेही बेदाग, पर कोई तो है जिसके दामन पर दाग लगे। 3 दिन हो गए हैं गीता और उसके बच्चे सुन को गायब हुए, ये दोनों है कहाँ? सर ये सभी गरीब तबके के, एक दूसरे से झूठ बोलकर छुपाकर आखिर क्या साजिश रच सकते हैं? सर एक बात बार बार खटक रही है, गीता अपने बच्चे सोनू को पोलियो की दवा पिलाने उस दिन क्यों ले गई जिस दिन कोई कैंप था ही नहीं? विशाल भी कई बार कह चुका है कि गीता अकेले कहीं नहीं जाएगी, और पड़ोसियों का भी यही कहना है। अगर विशाल इस बारे में सच बोल रहा है तो क्या वो गीता के बारे में भी सच बोल रहा है कि गीता ने उससे कहा कि वैदेही आंगनवाड़ी सेविका है? या फिर गीता ने झूठ बोला विशाल से, या फिर वैदेही ने झूठ बोला गीता से, या फिर विशाल झूठ बोल रहा है हमसे गीता के बारे में? हो ना हो ये माजरा गीता और उसके बच्चे सोनू से जुड़ा है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम वहीं पर रहो और अपना ख्याल रखना, कुछ दिनों में सब सही हो जाएगा। मैंने यहां पर सारी तैयारियां कर ली हैं। नहीं नहीं अभी उसने हाँ नहीं कहा है, लेकिन मैं जल्दी उसे मना लूंगा, भेज दूंगा उसे। ठीक है, ठीक है ना? अरे तुम यहां की चिंता बिल्कुल मत करो। अच्छा बच्चा कैसा है? वो मेरे जैसा दिखता है क्या? हाँ क्या सोचा है नीता? कुछ नहीं सोचा है। साक्षी पूजा तुम्हें अपने नाना घर नहीं जाना क्या? क्यों नहीं जाना है, बिल्कुल जाना है, खेलते हैं ना माँ? आप भी खेलोगे ना पापा? अगर मैं चलूंगा ना तो काम कौन करेगा, तुम्हारा पापा? आप तो हमेशा काम ही करते रहो माँ, हम तीनों चलते हैं। हाँ हम तीनों चलते हैं, चलो अब खाना खाओ। आखिर बात क्या है समझ में नहीं आ रही है, ऐसे क्यों जबरदस्ती मुझे और बच्चों को मायके भेज रहे हो? ऊब गया हूं तुमसे, पीछा छुड़ाना चाहता हूं तुमसे। देख के तो ऐसा ही लगता है कि पीछा छुड़ाना चाहते हो। एक काम करो, तुम चला लो टैक्सी और मैं बच्चों को लेकर चला जाता हूं। बाजू अभी भी सच नहीं बताओगे ना?
ठीक है, जाने दो, हम ही चले जाते हैं। टाइम इस टाइम बाद सुबह 9:30 बजे का बता रहे हैं सर। दरअसल हमारे सीसीटीवी रूम इंचार्ज को शक हुआ, उन्होंने एक लड़की और एक बच्चे को फुट ओवर ब्रिज के सीसीटीवी में देखा। जब तक हम लोग उनके पास पहुंच पाए तब तक ये लोग गायब हो चुके थे और पूरा स्टेशन ढूंढ मारा लेकिन ये लोग कहीं मिले नहीं। 2 दिन ट्रेन वहां से होकर गुजरी थी लेकिन हम लोग दावे से नहीं कह सकते कि ये लड़की उस बच्चे को लेकर उस ट्रेन में चढ़ गई थी या स्टेशन से बाहर आ गई थी। ये लग तो विशाल और गीता के बेटे सोनू जैसा ही रहा है। हाँ सर, लग तो हो ही रहा है लेकिन गीता कहीं नहीं दिख रही है और उसकी कोई खबर भी नहीं मिल रही है। ये मेरा सोनू ही है, मेरा बच्चा। ये लाल टोपी, ये तो उसी की है। ये लड़की कौन है, आप में से कोई पहचानता है इसे? नहीं मैडम, हमने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मेरा सोनू इसके हाथ में क्यों है? मेरी गीता कहाँ है? ये तो सोनू ही है, मैं उसका चेहरा अच्छे से पहचानती हूँ। और ये लाल टोपी, ये तो मैंने दी थी गीता को। इस लड़की को पहचानती हूँ जिसने सोनू को गोद में ले रखा है? नहीं मैडम, मैं तो इसे पहली बार देख रही हूँ। कौन है ये और गीता कहाँ है? लानत है तुम लोगों पर रंगनाथन, 4 दिन से लड़की बेलगाम में थी बच्चे के साथ और तुम खबरियों को भनक तक नहीं लगी। इस लड़की की जन्म कुंडली निकाल कर दे मुझे। ये लड़की पक्का कोई सोलो ऑपरेटर नहीं, किसी गैंग की मेंबर है। सारी की सारी डिटेल्स चाहिए मुझे इस लड़की की। वैदेय, जिस लड़की के पास सोनू को देखा गया हमें लगता है वो भिखारियों के गैंग से जुड़ी हो सकती है। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है गीता और सोनू के लिए। अगर तुम सच बोल रही हो, विशाल सच बोल रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि गीता झूठ बोल रही थी तुम्हारे आंगनवाड़ी सेविका होने के बारे में और सोनू को पोलियो की दवाई पिलाने के लिए बाहर ले जाने के बारे में। तो आखिरकार गीता झूठ क्यों बोलेगी? तुमने उसके साथ इतना वक्त बिताया है, उसे कोई दिक्कत थी? नहीं तो क्या गीता विशाल की किसी बात से ना खुश थी? कोई पहले का प्यार जो दोनों के बीच में आ रहा हो? या कभी तुमने उसकी बातों में या बर्ताव में ऐसा देखा हो कि उसने कोई प्लानिंग की हो भागने की? मेरा मतलब है, हो सकता है कि ये लड़की सोनू को बाहर ले जाने में गीता की मदद कर रही हो। ये आप क्या बोल रहे हैं? एक तो विशाल और गीता के बीच में किसी भी तरह की कोई भी अनबन मैंने कभी नहीं देखी। उल्टा ये दोनों बच्चे के आने की खबर से बहुत ही खुश थे। तुम्हारे हिसाब से गीता विशाल की किसी भी बात से नाखुश नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं सर। वो गीता पहली बार माँ बनने जा रही थी, थोड़ा बहुत तो डर लगा ही रहता है और ये उसका पहला बच्चा था और पहला बच्चा बेटा ही हो, ऐसा भी दबाव हो सकता है। मतलब इसके बारे में गीता ने कभी मुझसे कहा नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रही हूँ। और हुआ तो भी बेटा, और वो भी इतना सुंदर, इतना तंदुरुस्त। मैं आपको उसकी फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए सर कितनी खुश लग रही है गीता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये विशाल और गीता के साथ क्या हो क्या रहा है। ये तो दीपाली है, एक नंबर की मुंहफट, चोरी भी करती है। कई दफा तो मेरी दुकान से चोरी की है, चॉकलेट और न जाने क्या क्या। इस दीपाली ने एक बच्चे को चुराया, अब यहाँ तक पहुँच गई, चॉकलेट से बच्चा तक। कहाँ रहती है दीपाली? वैसे इस जंगली का कोई एक ठिकाना तो नहीं है,
लेकिन पास की बस्ती में कुसुम जी रहती है। मैं दीपाली के कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ ना, तो रात को यहाँ सोने के लिए आती थी। ये दीपाली के हाथ में बच्चा किसका है? दीपाली ने चुराया है ये बच्चा। अरे देवा, बच्चे का नाम सोनू है और बच्चे की माँ भी गायब है, गीता मुरिया। जानती आप इन्हें? नहीं नहीं, मैं नहीं जानती गीता को। हाँ, लेकिन दीपाली बोल के गई थी कि वो 4-5 दिन में लौट आएगी। कहाँ गई, कुछ बोली? अपने माँ बाप के घर जा रही थी, कोल्हापुर। साबिस, दीपाली का कोल्हापुर का एड्रेस कुसुम जी को नहीं मालूम। वैसे कुसुम जी खुद हैरान है, उनके ही घर में रह रही थी। 4-5 दिन में वापस लौटेंगी कह के चली गई, लेकिन ऐसी चली गई कि अपना सब सामान लेके चली गई, एक भी चीज नहीं छोड़ी आइडेंटिटी के लिए। हो सकता है कुसुम जी से झूठ बोल कर गई हो। पूरी संभावना है साहब, एक नंबर का डामाडोल इतिहास है इस लड़की का। लड़ाई, चोरी, झगड़े, चीटर है ये लड़की। अब हम कोल्हापुर खंगालेंगे। साहब, ये छोकरी दीपाली तो मिसिंग है। हाँ पता है, मिसिंग रफीक, एक बच्चे के साथ। इसलिए तो लालू ने तुझे उसकी तस्वीर भेजी है और तू हमारी खबर हमें सुना रहा। साहब, ये दीपाली यहाँ कोल्हापुर से ही मिसिंग है। यहाँ क्या कुरपाड़ा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। क्या, वो कल कोल्हापुर पहुंची और कल ही उसकी किसी ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा दी? कौन है वो, नाम पता बोल। साहब, ये दीपाली कल से नहीं, 2 साल पहले से मिसिंग है। 2 साल पहले ही मुझे इसका फोटो मिला था यहाँ की पुलिस से। आप अकुरपाड़ा पुलिस स्टेशन फोन मारिए, इस दीपाली की ABCDEFGH सारी मिल जाएगी आपको। साहब, ये दीपाली का पूरा नाम दीपाली गावड़े है, बड़े बड़े पोस्टर भी छपे थे इसके नाम के। अच्छा, और मिसिंग कंप्लेंट किसने लिखवाई थी रमेश? इस दीपाली के पति योगेश गावड़े ने जून 2014 में इसने कंप्लेंट दर्ज की थी। हमने कहां कहां नहीं ढूंढा, क्या क्या नहीं किया सर, पर हाथ नहीं लगी। 2 साल पहले जब गायब हुई थी तो 17 साल की थी। हमें लगा कि जबरदस्ती शादी का कोई मामला होगा या फिर पति पत्नी में कोई अनबन हुई होगी। इसके पति योगेश गावड़े की क्वेश्चनिंग तो बनती है। ये दीपाली इतने दिनों से बेलगांव में ही रह रही थी, जरूर किसी रैकेट वैकेट में शामिल होगी, और शायद इसका पति योगेश भी। पता लगाता हूँ सर, ये योगेश गावड़े आजकल है कहाँ। साहब, इतने टाइम से दीपाली बेलगाम में थी? अच्छा, तुझे पहले से नहीं मालूम ये दीपाली बच्चे उठाने का धंधा पहले से कर रही थी, या तू भी शामिल था इन सब में? साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं साहब। देख योगेश, ये ड्रामा बंद कर। पहले वहाँ सेफ होने के लिए तूने दीपाली को मिसिंग करार दिया, ताकि पीछे से उसके साथ मिलकर यहाँ पे ये सब कुछ गोरख धंधा चला सके। और गीता के साथ क्या किया, मार डाला उसे? साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये गीता कौन है, इसको तो मैं जानता तक नहीं हूँ। और साहब, मैं आज तक कभी बेलगाम नहीं गया हूँ। काय बोलता है साहब, 2 साल से मेरी बेटी दीपाली ने फोन तलक नहीं किया है। आप लोग ही उसे ढूंढने में लगे हुए थे ना? लगे थे, पर ढूंढा सिर्फ उनको जाता है जो सच में गायब हो। तुम्हारी दीपाली तो बेलगाम में बच्चों की तस्करी का धंधा करती थी। नहीं नहीं साहब। अरे क्या नहीं, एक 4 हफ्ते के बच्चे को लेकर फरार हुई है वो, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पति और आपको उसके बारे में खबर ही ना हो। और ये नौटंकी का रायता मत फैलाना, समझी? मैं सच बोल रही हूँ साहब, पिछले 2 साल से मैंने दीपाली का चेहरा भी नहीं देखा, उसकी आवाज भी नहीं सुनी। सर, मैं बैंक में प्यून हूँ, मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। आगे बोल। सर, मुझे दीपाली से शादी नहीं करनी थी, बल्कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी, जबरदस्ती मेरे बाबा ने दीपाली से मेरी शादी करवा दी। उस वक्त भी दीपाली उल्टे सीधे काम करती थी? दीपाली तो काम तो कुछ करती नहीं थी, ना घर का ना बाहर का, सबके नाक में दम करके रखा था। 17 साल की थी वो। शादी करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई थी। वो सर चीजें चुराती थी दुकानों से, कभी टॉफी, कभी बिस्किट, कभी कपड़े, जो हाथ लगा वो। और जब पकड़ी जाती थी तब मेरी इज्जत का भाजीपाला होता। बच्चे भी चुराती थी तब? 6 महीने वो मेरे साथ रही थी, तब तो नहीं चुराया था सर उसने कोई बच्चा। और जब वो मुझे छोड़कर गई तब मैंने ईमानदारी से पुलिस स्टेशन में जाकर उसके लापता होने की शिकायत दर्ज की थी। माजरा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गीता अपने बच्चे सोनू के साथ अपने घर से निकलती है, उसके 4 दिन के बाद बच्चा सोनू दीपाली के पास देखा जाता है। ये क्या कनेक्शन हो सकता है दीपाली का विशाल और गीता के साथ? सर, ये किसी बच्चे की चोरी का रैंडम केस नहीं लगता है, क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। गीता अपने बच्चे सोनू को घर से ये झूठ बोलकर निकलती है कि उसे पोलियो की खुराक पिलाने ले जा रही है और वापस लौटती ही नहीं। 4 दिन बाद सोनू दीपाली के साथ बेलगाम स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज पर नजर आता है। गीता का अभी भी कोई अता पता नहीं। सर, ये विशाल बार बार यही कहे जा रहा है कि गीता कहीं अकेले नहीं जा सकती, और वैद्य ही पर उंगली उठा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि असली चोर विशाल के दिल में ही हो, उसने ही गीता और बच्चे को कहीं छुपा दिया हो? इस विशाल की थोड़ी क्लास तो बनती है। सुन, मैं निकल गया हूँ, बस स्टैंड पहुंच रहा हूँ।
तू भी उधर से निकल जब बस के निकलने का टाइम हो रहा है। रिक्शा बस स्टैंड। ये दीपाली कौन है? अपना बच्चा सोनू दीपाली को क्यों दिया तूने? और गीता के साथ क्या किया? गीता का मर्डर कर दिया तूने? या फिर गीता का कोई चक्कर था और सोनू उसका बच्चा? शक हुआ तुझे? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और गीता तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं साहब, और सोनू तो जान है हमारी। गरीब हूँ साहब, लेकिन जब ही सोनू पैदा हुआ था ना, तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी मैंने। धूमधाम से स्वागत किया था हमने सोनू का, और इसी धूमधाम के साथ तेरी हवा निकल गई जब तुझे ये पता चला कि शायद तेरा बेटा सोनू तेरा है ही नहीं बल्कि गीता के किसी प्रेमी का है। नहीं नहीं साहब, आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब से गीता गायब हुई है मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि क्या गीता का वाकई में किसी के साथ चक्कर वक्कर था। शादी से लेके सगाई तक, सगाई से लेके उसके गायब होने तक एक एक पल याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गीता वाकई में मेरे साथ खुश नहीं थी, दुखी थी वो। और फिर बार बार याद आता है उसका कहना कि वैदेही आंगनवाड़ी सेविका है। फिर मेरा माथा घूम जाता है साहब कि तने इतना अजीब झूठ क्यों बोला मुझसे। मतलब और भी बहुत सारे झूठ बोले होंगे मुझसे, रहा होगा उसका कहीं चक्कर वक्कर। ढूंढ लीजिए साहब दोनों को, मुझे पूछना है गीता से कि आखिर माजरा क्या था, जानना है साहब मुझे। और एक बात मेरा, अगर वैदेही वाकई में आंगनवाड़ी सेविका नहीं है, किसी क्लिनिक में काम करती है, तो इतने दिनों में एक बार भी क्यों नहीं बोली कि बच्चे की डिलीवरी उसके क्लिनिक में कराओ? उसको बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोली, जबकि वो गीता को अपनी छोटी बहन से भी ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत बहुत ख्याल रखती थी साहब उसका। सर हमने भी ये बात सोची नहीं, जब वैदेही ने गीता की इतनी मदद की उसकी प्रेगनेंसी में, उसका इतना ख्याल रखा, तो गीता की डिलीवरी अपने मैटरनिटी होम में क्यों नहीं करवाई? वहां तो वो उसके साथ हो सकती थी डिलीवरी के टाइम। शायद प्राइवेट मैटरनिटी होम महंगा पड़ता विशाल के लिए, या फिर कोई और कारण होगा, लेकिन इतना तय है कि एक गहरी साजिश रची गई है। सर मैं वैदेही से पूछताछ करती हूँ कि उसने गीता की डिलीवरी अपने मैटरनिटी होम में क्यों नहीं करवाई, देखते हैं क्या कहती है। और तो कुछ नहीं कहा वैदेही ने, हाँ 3 दिन पहले मेरे पास आई थी और बोल रही थी कि अगस्त का जो किराया है वो रख लो और डिपॉजिट के मेरे पैसे है वो वापस दे दो। उसको घर खाली करना था। घर खाली करके वो कहाँ गई, कुछ बताया उसने? वो तो कुछ भी नहीं मालूम, वैसे उसके एग्रीमेंट में मड़गांव का पता लिखा है, शायद वो वहीं पे चली गई होगी। हमें तो वैदेही जी चली गई उसके बाद मालूम चला। हाँ हमें तो वैदेही जी से बात करने का, पूछने वूछने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आप बार बार वैदेही जी के बारे में क्यों पूछ रही है, आखिर माजरा क्या है? पहले तो हमें सिर्फ शक था, लेकिन अब लगभग यकीन हो गया है कि गीता और उसके बच्चे सोनू के गायब होने में इस वैदेही घोरपड़े का हाथ जरूर है। ये क्या कह रही हो आप? अरे वैदेही जी मतलब भगवान की बंदी है। मैंने वैदेही को समझाने की लाख कोशिश की कि हम सब तेरे साथ हैं, पर ये पूरे मामले से वो काफी डिस्टर्ब हो गई थी। डॉक्टर अर्चना एक बात समझ में नहीं आ रही, फिर वैदेही ने गीता की डिलीवरी आपके क्लिनिक में क्यों नहीं करवाई जबकि गीता काफी क्लोज थी वैदेही के? ये सारे सवाल मुझसे करने से कोई फायदा नहीं है, वैदेही मेरे लिए एक अच्छी एम्प्लॉय थी, बाकी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं और कुछ भी नहीं जानती हूँ। सर मुझे इस वैदेही के गायब होने में उसके फरार होने की बू आ रही है। तो क्या गीता भी फरार है बच्चे को लेकर? क्योंकि इतना तो पक्का है कि माँ और बच्चा साथ में नहीं है, सीरियस खतरा हो सकता है बच्चे को। सर बेलगाम से लेकर कोल्हापुर तक जितने भी भिखारियों की टोलियां हैं सभी हमारे रडार में, सोनू और गीता की फोटोग्राफ सभी को बांट दी हैं, अगर बच्चे की खरीद फरोख्त का कोई भी मामला हुआ तो हमें इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। भिखारी माफिया एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर राव मैं सोच रहा हूँ कि सब्जी मार्केट में वैदेही का गीता से मिलना ये एक महज इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश थी? आपको कैसे पता चला? तीसरा महीना चल रहा है ना। और अगर ये साजिश थी तो इसका मकसद क्या हो सकता है?
और अगर ये इत्तेफाक था तो क्या गीता ने वैदेही का फायदा उठाया अपने किसी मकसद के लिए? कि दीपाली किसकी टीम में है, गीता की, वैदेही की, विशाल की, या फिर कोई चौथी टीम? कौन है जो अपनी साजिश को अंजाम दे रहा है इस दीपाली के जरिए? और इस राज का भेद खोलने के लिए हमें किसी ऐसे की जरूरत है जो इन सबसे वाकिफ हो और इन सभी के बीच जो रिश्ता है उस रिश्ते में छुपी बारीकियों को जानता हो। राज का भेद खोलने वाला ऐसा शख्स मिलना तो दूर। अगले दो दिन में हमारे सामने एक और पेचीदा पहेली पेश हुई। हमारे खबरी ने दीपाली को स्पॉट कर लिया था एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर, लेकिन इससे पहले कि वो दीपाली तक पहुंचता, दीपाली वहां से गायब हो गई। लालू, अपने सारे बंदों को लगा दे काम पर और घुस जाओ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में। पता करो कि दीपाली उस दिन कहां कहां गई थी, वो वहां पर काम करती है या किससे मिलने गई थी, अगर किसी से मिलने गई थी तो किससे मिलने गई थी, पूरी खबर निकाल। ये दीपाली हमें इस केस में ब्रेक थ्रू दे सकती है। कोई भी गलती, कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, समझा? किराया देने में देरी मुझे कतई पसंद नहीं, कह देता हूँ एक दिन की देरी भी नहीं चलेगी। आप चिंता मत करिए, मैं हर महीने आकर खुद पैसे दे दिया करूंगा मुंगे साहब। साहब, ये दीपाली परसों शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक क्लिनिक में आई थी। कौन सा क्लिनिक? वो बच्चा पैदा करने वाला, जहाँ पे औरत और मर्द दोनों के बीच को लेकर डॉक्टर लोग कुछ करते हैं ना, वही। यहाँ पे IVF सेंटर करके कुछ लिखा है। IVF सेंटर? IVF सेंटर में क्या कर रही थी दीपाली? वो दीपाली भी एक डोनेशन के लिए आई थी। सेंटर की लिस्ट में नाम है उसका, डोनेशन के लिए पैसे भी मिले हैं उसको। ये हो क्या रहा है? सर, इस IVF सेंटर से ही पता करते। ये सिर्फ गीता और सोनू के मिसिंग होने का केस है या वहाँ कुछ और भी चल रहा है? कटिंग चाय बना जल्दी। जल्दी, ये कितना टाइम लगा रहा है? इस केस में जो भी हो रहा था वो एक सोची समझी साजिश थी। जब हमारी तहकीकात जोर पकड़ रही थी तो उस वक्त भी वहां साथ साथ प्लान अपना आकार लेता जा रहा था, जो एक जिग्सो पजल की तरह था। एक ऐसी पहेली जिसका राज सिर्फ चंद लोग जानते थे और जो अंधेरे में थे उनमें हम भी शामिल थे। एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया जा रहा था। यह षड्यंत्र अपने आखिरी पड़ाव पर जहां पहुंचा था और हम भी ठान कर निकल पड़े थे कि इस जुर्म को होने से रोकेंगे। वैसे इस केस का हल भी सोनू और बच्चे के जन्म को लेकर ही जुड़ा था। कल के एपिसोड में हम इस केस का शेष भाग पेश करेंगे। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।